श्लोक पदाब्ज विस्तरम प्रेमाशुलेश उपमेहयन्मुहुः प्रेमो पुरुद्धा अखिलवर्ण निर्गमो नैवासकत्तं प्रसमीडितुं चरम With tears of love and affection, Chitraketu repeatedly moistened the resting place of the Supreme Lord's lotus feet. Because his voice was choked in ecstasy for a considerable time, he was unable to utter any of the letters of the alphabet to offer the Lord suitable prayers. It's a very nice shloka, so much meaning. Chitraketu, why is in so much happiness? Because he got darshan of the Lord. We are also wanting some ecstasy. We think we will sit in a cricket match and he will put a six and I will be in ecstasy and the commentator aisa natak hota hai. Commentator bolta hai. Yaad hai? Bahut time ho gaya match dekhe. Itna khushi hai idhar. Itna khushi hai. Aur log bhi aisa karke natak kar. Koi khushi nahi hai. Sab natak. ये असली खुशी है. चित्रकेतु ने तपस्या की और इतना खुशी कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा. नायम देह दे भाजाम ने लोक के कष्टान काम अनर्थे बुझाम तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम शुद्धे तस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम. उसको ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम मिल रहा है. अभी जो चाहते हो असली सुख कितना मिल रहा है? अनंत. इतना कि मुँह से शब्द नहीं निकल रहे. अभी भगवान आए हैं, उनको प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन इतना खुशी कि मुंह से शब्द नहीं निकल गए. चाहिए नहीं चाहिए? ऐसे चाहिए नहीं चाहिए ना. ब्रह्म सौख्यम तो अनंत. लेकिन क्या किया उसको, क्या किया उसको इसको प्राप्त करने के लिए? तपो. उसने तपस्या करी. तो जब तपो दिव्यम, जब हम कृष्णा के आचार्य के शरण में उनके आदेश के अनुसार जब तप करते हैं तो क्या मिलता है? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम. और यही तो चाहिए, और क्या चाहिए आपको? सवे पुंसा पराधर्म यथा भक्ति योगक्षदे अहितुकीय प्रत्यता ययात्मा सुप्रसीदति. यही परोधर्म है. इसको परोधर्म बोलते हैं. इतना हम टाइम से समझा रहे थे, परोधर्म ही मेन चीज होता है. क्यों? आत्मा सुप्रसीदति. पूरी तरफ से आत्मा खुश हो जाती है, आदमी तृप्त हो जाता है. नहीं तो तरह तरह के धर्म लगे रहते हैं. तो चित्रकेतु को क्या 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 चीज़ उन्होंने फॉलो करी है ये प्राप्त करने का, ये हमको देखने का. हमको भी चाहिए ये चीज़, लेकिन क्या उसने किया? उसको पहले तो गुरु ने मंत्र दिया था, ध्यान से उसने भक्ति से वो मंत्र को जपा और 7 दिन इतना तप किया उसने कि वो खाना पीना सब बंद कर दिया. खाली ध्यान, पानी पी रहा था, दो काम कर रहा था खाली, पानी पी रहा था और नाम जप कर रहा था. बस कंटिन्यूसली वो नाम जप कर रहा था और 7 दिन में उसको भगवान का दर्शन हो गया. खाली 7 दिन. और जब भगवान का दर्शन हुआ, बिकॉज क्या है कि आचार्य का वचन
कभी फेल नहीं हो सकता। नारद मुनि ने उसको श्रुति फल दिया था ऑलरेडी, तुम इसको ध्यान से जप करो तुम्हें 7 दिन में दर्शन होगा, उसको ये आशीर्वाद दिया था, उसने किया और उसको हो गया दर्शन। तो कृष्णा भी बोलते हैं भगवद गीता में, कौन्तेया प्रतिजाहि नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त ने कुछ बोला वो फेल नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? वो फेल नहीं हो सकता। सही में प्रभुपाद जी ने बोला है तुम्हें 16 माला जप करो वैकुंठ धाम मिल जाएगा, ठीक है, वो फेल नहीं हो सकता। क्यों? समझने का, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के समझने का कि जिस भक्त ने पूरा पृथ्वी में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है वो भगवान के कितने प्रिय होंगे, समझ तो सकते हो। उनका शब्द फेल हो गया तो फिर किसका शब्द चलेगा, करेक्ट? तो इस उसके आधार पे हम लोग जप कर रहे हैं, हम लोग क्यों 16 माला जप कर रहे हैं? वो आदेश है, उसका आधार है, वो गारंटी है। भगवद गीता में भी एक बहुत अच्छा शब्द है, कृष्ण जी बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वच अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। सो मा शुचः मतलब गारंटी हो, डरने की जरूरत नहीं, काम करेगा। कृष्ण जी बोलते हैं भगवद गीता में तुम मेरे शरण ले लो वैकुंठ धाम आ जाओगे, फिक्र नहीं करो, तुम्हारे साफ पाप धुल जाएंगे, मा शुचः। सो प्रभुपाद सेज वेरी नाइसली व्हाट ही सेज, व्हाट द एग्जैक्ट वर्ड्स ही सेज, दैट श्योरिटी इज स्टिल देयर, इट इज स्टैंडिंग ऑर्डर, होता ना स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब ये अभी तक ऐसा नहीं है अर्जुन को बोला था अभी ये नहीं चलेगा, नहीं, दिस गारंटी स्टिल स्टैंडिंग, होता ना अनलिमिटेड गारंटी, ये गारंटी अभी भी है कि एनीबडी सिंसियरली ट्राई, शरण लेने का मतलब सिंसियरली ओबे करो, इफ यू डू देन मा शुचः, डोंट वरी। एनीवे सो देन सेकेंड पॉइंट प्रभुपाद इज सेइंग इज दैट व्हाट एवर वी हैव डेवलप्ड इट शुड यूज फॉर कृष्णा। जैसे पहले पेंटिंग करते थे लोग, क्या करते थे? खाली पेंटिंग कृष्णा का और कुछ नहीं होता था। लोग डांस करते थे, सारे डांस खाली कृष्ण लीला था। अभी हुआ ये मतलब बकवास, बंदरों का डांस है। और यही नहीं, इतना तो बकवास है, हो क्या ये सारे स्कूल कॉलेज में अभी ये महीना कल्चरल फंक्शन चल रहे थे, सारे लड़की लड़के ये देख के इसको इमिटेट करने का उनको, और पूरा ये कॉलेज का प्रोग्राम होने का, और सब लोग ये गंदगी देखने का, मतलब डांस क्या उसका मतलब क्या बोलो उसको पता नहीं, बंदर जैसे अगर उछल लेंगे तो ऐसे उछल लेंगे। मनुष्य के डांस बने हैं बहुत सुंदर सुंदर, देख के भी दिल को खुशी लगता है, और सारे डांस हैं कृष्ण लीला के डांस, अरे भगवान का लीला का डांस और कुछ नहीं, अभी कुछ और ये बना दिया। कितना आर्ट देख लीजिए, कितने सुंदर सुंदर, जितना भी सबसे अच्छा आर्ट कहाँ यूज़ हुआ? मंदिरों में, अपने घर लोगों ने छोटे छोटे सिंपल बनाए, लेकिन मंदिर पहले कैसे बनते थे? बहुत सुंदर। अभी क्या है? अपना घर विशाल बनाओ और मंदिर की जगह मॉल। पहले सिटी का सेंटर होता था, किसी भी सिटी का सेंटर क्या होता था? टेंपल। मैं भी जब सुना सिटी सेंटर, मैं सोचा मंदिर होगा, देखने गया दुकान, क्या है उसमें देखने के लिए? क्या देखेंगे उधर? सामान बिक रहा है बेमतलब का, जो जनरली वो चाहिए नहीं लोगों को। आजकल का मजाक ये है, एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ बोलते हैं जो लोगों को नहीं चाहिए, जबरदस्ती लोगों को जो चीज़ नहीं चाहिए बेची जाती है, जबरदस्ती ये भी खरीदो तो, अरे नहीं चाहिए, वो ज़रूरत नहीं है किसी को उस चीज़ों की, करेक्ट? कपड़ा मिलता है लोकल मेड, हाँ कपड़ा मिलता है लोकल मेड, ये आपको उस ब्रांड का 10 गुना ज़्यादा दाम, सेम कपड़ा, कपड़े में क्या होता है, 2 सिलाई होता है, कुछ कॉटन होता है, सेम फ़र्क 19-20 का है बस, एक ब्रांड लगा दिया वो उसको जाके खरीदने का, नहीं तो मर जाएंगे। तो ऐसे लोग बेवकूफ़ बनते हैं, बट एक्चुअली एवरीथिंग वट एवर वी हैव, कपड़ा बनाना बनाओ भगवान के लिए बनाओ ना, ठीक है? सो एवरीथिंग शुड बी यूज टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड। यू सी हियर चित्रकेतु इज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, नाउ ही वांट्स टू कंपोज, प्रॉपर से देयरफॉर डिवोटी इज कॉल्ड कवि। कवि मीन्स ही राइट्स, ही बिकम सो हैप्पी। अभी क्या ना, हमारी आस्था बढ़ रही है थोड़ा है, एक टाइम आता है जब भगवान का आस्था इतना बन जाता है वो पूरे टाइम भगवान के लिए वर्सेस कंपोज करता रहता है इन ग्लोरिफिकेशन, दिल से। कैसे? दिल से, ही इज विद हार्ट, भगवान के लिए वो श्लोक बनाते रहते हैं। प्रभुपाद जी भी देखिए, जब वृंदावन में थे, पूरा किताब है, कितनी पोएम्स लिखी,
दे कीप राइटिंग पोएम्स ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड. सीधा नहीं लिख पाते वो, पोएटिक लिखते हैं. जब खुशी ज़्यादा हो जाती है ऐसे ही होता है. वैकुंठ धाम में भी लोग, एवरी वर्ड इज अ, हर शब्द एक गाना ही है और एक हर स्टेप एक डांस है. लोग चल नहीं पाते, उधर नाचते ही रहते हैं. देखे ना छोटे बच्चे कभी कभी कहाँ चल पाते हैं, वो तो भ्रम है, नाचते ही रहते हैं. देखे ना, तो स्पिरिचुअल वर्ड ऑल्सो इज लाइक दैट. एवरी स्टेप इज अ डांस, एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग. सो वट एवर टैलेंट वी हैव वी शुड यूज फॉर द लॉर्ड. तो चित्रकेतु भी प्रभुपाद जी यही इधर बता रहे. चित्रकेतु को भी अभी, वो तो राजा थे, ऐसे स्कॉलर तो थे नहीं, लेकिन भगवान के दर्शन हो गए. अब उनको कंपोज करना है, लेकिन अभी सारी इंद्रियां, नारद मुनि की भी सेम सिचुएशन थी, ध्रुव महाराज की भी सेम सिचुएशन थी. इतना एक्सट्रेसी, सो मच एक्सट्रेसी दैट प्रभुपाद इज सेइंग फॉर कंसिडरेबल टाइम कुछ बोल नहीं पाए. ठीक है, बट इज सो मच हैप्पीनेस. नारद मुनि व्हेन ही गॉट दर्शन, इट सेड ऑल द सेंसेस वर सो हैप्पी इन टेकिंग दर्शन, सो हैप्पी, एवरी सेंस बिकेम हैप्पी. एंड इन टू मच हैप्पीनेस समटाइम्स द सेंसेस गेट कन्फ्यूज्ड. व्हाट यू से, कह रहे. सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, जस्ट इमेजिन, एंड वी आर नॉट टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी. सो चित्रकेतु टुक द अपॉर्चुनिटी, ही टुक गाइडेंस ऑफ नारदा, ही फॉलोड व्हाट नारदा सेड, रिजल्ट इज गारंटीड. प्रभुपाद ने कितनी बारी बोला आई गारंटी यू, आई गारंटी यू, कितना बारी बोला है. उनका गारंटी पे ही तो मूवमेंट चल रहा है, इसलिए उनको फाउंडर आचार्य बोलते हैं. क्यों फाउंडर आचार्य, पूरा मूवमेंट उनका गारंटी पे चल रहा है. अब देखो उडुपी का मठ, वो भी मध्वाचार्य की गारंटी पे चल रहा है. मध्वाचार्य ने गारंटी दिया तभी वो लोग लगे हैं. अगर उनको पूछो किसका गारंटी, मध्वाचार्य का गारंटी. जैसे श्री वैष्णव चला जाओ, किसका गारंटी में पूरा मूवमेंट चल रहा है उनका, रामानुजाचार्य के गारंटी में चल रहा है. अग्रेट, उनका पैकेज है और उनका गारंटी है. तो इस्कॉन में प्रभुपाद जी का पैकेज है और वो गारंटी है. अगर उसको फॉलो कर लिया तो जीवन सफल हो जाएगा और ऐसी ही स्थिति आ जाएगी. मतलब पूरी तरह से आप पर्सन विली सो मच फुल ऑफ हैप्पीनेस कि क्या बोलो उसको समझ नहीं आएगा, है ना. तो हमको चाहिए ना ये. सो वी शुड ट्राई टू प्रैक्टिस बहुत खुशी से. वी गिव एन एग्जामिनेशन, एग्जाम्पल, जैसे कोई अमेरिका जा रहा है. आजकल लोग अमेरिका को स्वर्ग समझते हैं, भारत पृथ्वी पे सब लोग उधर जाना है. वहाँ भारत लोगों को मार रहे हैं आजकल वो, लेकिन तब भी उधर जाना है स्वर्ग में, मरे भी तो जाएंगे उधर. एनीवे, तो उसमें थोड़ा कष्ट है आपको, आपको पासपोर्ट बनाना है, वीज़ा बनाना है, इधर भागना है, उधर भागना है, ब्लड टेस्ट कराना है, ये सब कुछ नाटक रहता है. आदमी को प्रॉब्लम होती है कि नहीं, बड़ा खुश रहता है. अरे कितना खुशी से करता है, हाँ मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, बड़ा खुश रहता है. तो सेम वे वैकुंठ धाम जा रहे हो तो ज़्यादा खुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. एक्चुअली आध्यात्मिक प्रगति के लिए भारतवर्ष अच्छी जगह कोई नहीं है. बहुत आसान, बहुत सरल से आप आध्यात्मिक प्रगतियाँ कर सकते हो. क्यों, इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं चारों तरफ, वातावरण अभी भी धार्मिक है, और बहुत जितने भी आप मेन तीर्थस्थल हैं सब भारत में ही हैं, करेक्ट. लेकिन प्रभुपाद जी का इच्छा था पाश्चात देश तारिणे, उनका इच्छा था कि पहले पाश्चात जगत को तारण करना है. तारण मतलब उसको वहाँ सबको कृष्ण का भक्त बनाना है, इसलिए उन्होंने अमेरिका से शुरू किया. ठीक है, एंड उनका इच्छा ये पूर्ण होना चाहिए, एंड विद दैट एफर्ट शुड बी देयर, बिकॉज एक्चुअली स्टिल अभी तक ये है जो अमेरिका जो चीज़ एक्सेप्ट करता है पूरा दुनिया एक्सेप्ट कर लेता है, करेक्ट. सो दैट इज़ द वे दैट प्रभुपाद वॉन्टेड दिस मूवमेंट शुड स्प्रेड. अदरवाइज भारत भूमि सबसे सहल जगह है, यहाँ पे बहुत आसान है. एक्चुअली पूरा विश्व भारत में ही आता है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए. भारत में पूरे विश्व से लोग आते हैं और बेवकूफ़ बन के वापस चले जाते हैं. जनरली आपके स्टीव जॉब भी इंडिया आए थे आध्यात्मिक जानकारी के लिए, बिल गेट्स भी इंडिया आए थे आध्यात्मिक, कोई भी ले लो, फेसबुक का वो भी आया था, जितने भी टॉप लोग हैं सब भारत में आए थे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए. इवन वो जॉर्ज हैरिसन भी आया था, सब लोग, बहुत लोग प्रभुपाद जी को मिले थे. तो प्रभुपाद जी बोले क्या है, मैं एक बारी भारत जाना है और कुछ आध्यात्मिक चाहिए मेरे को. फिर प्रभुपाद जी को मिलकर खुश हो गए, लेकिन ये था सबके दिल में, कह रहे
पूरे दुनिया में रहता है। अगर आध्यात्मिक चाहिए तो भारत जाओ, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक का कुछ चीज़ चाहिए तो जापान जाओ, वो मेन कंट्री है, उधर सब चीज़ परफेक्ट मिलता है इलेक्ट्रॉनिक का। आध्यात्मिक का ये सबसे अच्छी जगह। एक बारी मैं मथुरा गया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन में कुछ बात हुई, वहाँ पे लोग बैठे थे मथुरावासी, हाँ टीटी भी मथुरावासी था। तो मैंने बोला ठीक है, फिर बात होने के बाद बोला आपकी ट्रेन आ गई है। मैंने कहा ठीक है जाता हूँ। मैंने कहा अभी मैंगलोर आना, क्यों आए आप, आओ इधर, हम क्यों आए उधर, क्या रखा उधर इधर आओ। तो सेम वे एक्चुअली भारतवासी को तो बहुत खुश होना चाहिए, यही जगह है। अगर आपको आध्यात्मिक प्रकृति करनी है, सबसे अच्छी जगह है, पूरा विश्व इधर आना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का इच्छा था एक्चुअली, जो इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ पे पूरे विश्व से लोग आते हैं, बड़े बड़े मतलब बिल्डिंग्स होना चाहिए, उनके रहने का इंतज़ाम होना चाहिए, और उनको असली आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि जनरली वो आते हैं मूर्ख बन के जाते हैं। मेरे को याद है जब मैं कुंभ मेला में गया था, वहाँ पे वैसे ही वो लोग अफीम लेना, नशा करना तो उनको सबको आता है, 8वीं क्लास से सीख लेते हैं, 100% 100% बच्चा 8वीं क्लास से नशा सीख चुका होता है, 100%। 6th क्लास में 40%, 7th क्लास में 80%, 8th क्लास में 100% लोग नशा कर चुका होता है। इंडिया में अभी ये मतलब 5-6 साल, 8वीं क्लास, 10 साल ऐड कर दो, आजकल इंडिया में भी है 22 साल तक 100% लड़का नशा कर चुका होता है, 100%। अमेरिका में वो थोड़ा एडवांस्ड है, 8th क्लास में तक हो जाता है, जैसे ऐसे ऐसे गिरे लोग हैं। तो ऐसी स्थिति है। सो कुंभ मेला में याद है मैं जब गया था, वहाँ पे कैंप बने होते हैं और कुछ लोग गांजा पीते हैं, और इनको भी पियो 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 पियो, तरह तरह के नशे चलते हैं आध्यात्मिक के नाम में, और वो भी नशा करके चले जाते हैं, सोचते हो गया हमारा आध्यात्मिक प्रगति। तो ऐसा मूर्खता चल रहा है एक्चुअली। सो एक्चुअली इफ़ यू रियली वॉन्ट, वी हैव टू टेक गाइडेंस फ्रॉम पर्सनैलिटी लाइक नारद, तब आपको असली स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मिलेगा। ठीक है, नशे से क्या होता है, यू गेट सम काइंड ऑफ, इट्स ओनली मटेरियल, नशा इज मैटर, मटेरियल सम स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन, दैट्स ऑल। जो ब्रेन है थोड़ा स्टिमुलेट हो जाता है, बिकॉज ब्रेन नथिंग मैटर है, माइंड वहीं का वहीं रहता है, आत्मा वहीं की वहीं रहती है। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला आत्मा को उससे, नशे से। बट अगर आप आचार्य को प्रकृति के आदेश के अनुसार अगर आप चलेंगे तो क्या होगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगी, ये आत्मा सुप्रसिद्धति, पूरी तरह से खुश हो जाएगी। जब आत्मा की खुशी आती है वो भी चित्रकेतु की दिख रही है, चित्रकेतु जो खुशी हो रही है वो मन की खुशी नहीं, शरीर की खुशी नहीं, आत्मा की खुशी हो। आत्मा जब भगवान का दर्शन करती है तो पूर्ण रूप से आनंद आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह समझ सकते हैं इसको। श्रील प्रभुपाद की। Oh,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.